है आपका हमारे इस वीडियो में। अभी हम लोग हाई स्कूल पे आए हुए हैं, रात का अभी 10 बजा हुआ, देख सकते हैं दोस्तों कितना अंधेरा है। सुखपुर के माननीय नेतागण से अनुरोध है यहाँ लाइट लगाएं, क्योंकि हमारे गांव के जितने भी युवा भाई हैं जो आर्मी या फौज का तैयारी करता है वो सब सुबह को यहाँ दौड़ने आता है। तो यहाँ अगर आप लोगों की कृपा से लाइट लग जाए तो बहुत मेहरबानी होगा। तो कृपया आप लोग ध्यान दें और सुखपुर का जो है विकास करें। सब पैसा जो है रख के जेबी में उससे काम नहीं होने वाला है, जो भी काम है समाज में वो करने से ही कुछ होने वाला है। यहाँ जल्द से जल्द लाइट लगवाएं, या अगर हो सकता है तो बिक्की फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ लग जाएगा। अगर उससे पहले आप लोगों को क्रेडिट लेना हो तो यहाँ लगा दीजिए, देखिए कितना अंधेरा है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो में, अभी हम लोग मिडिल स्कूल सुखपुर का चैतमनी मध्य विद्यालय सुखपुर में आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ गेट पे नाम भी नहीं लिखा हुआ है अभी तक। इनके इस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं उनसे अनुरोध है कृपया गेट पे नाम लिखाएं ताकि स्कूल का नाम पता चले। और यहाँ देखिए पूरा कैंपस कितना अंधेरा है, बताइए। यहाँ जब लाइट है सरकार के द्वारा तो आप लोगों को यहाँ रोशनी जलाने में क्या दिक्कत है, देखिए कितना अंधेरा है कंपाउंड में, देख सकते हैं आप लोग। चितमणि मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुरोध है जल्द से जल्द आप यहाँ गेट पे नाम लिखवाएं और कल से जो है यहाँ रोशनी आप जो है स्कूल बंद करने के बाद या शाम को किसी को ड्यूटी दे दें ताकि रोशनी जले। देख सकते हैं दोस्तों कितना अंधेरा है, ये हाई स्कूल के आसपास का सीन है, दृश्य देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा आपका उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुर सुपौल, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ गेट से नाम ही गायब हो गया है। कैसे पता चलेगा अगर दूसरे गांव का यहाँ आए कोई, कौन सा स्कूल है नहीं है। अब चलिए पंचायत भवन की तरफ चलते हैं, देखिए कितना अंधेरा है, आप लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा इस वीडियो में। आज ऐसे ही हम लोगों का मन किया घूमने का तो हम लोग घूमने आए हुए हैं, देखिए कितना अंधेरा है। और चलते हैं अभी पंचायत भवन के पास। क्या भाई लोग यहाँ रोशनी लगना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, हाई स्कूल पे तो जल्द से जल्द लगना चाहिए ना। जितना भी युवा है हमारे गांव का सब यहाँ दौड़ने आता है, अगर रोशनी लगा रहे तो रात को भी यहाँ दौड़ने आ सकता है, हाँ खेलने भी आ सकता है यहाँ। मान के चलो अपना लोग का ही मन किया, कभी कभार इंजॉय करने आ सकते हैं ना। ये रहा हमारे गांव का पंचायत भवन, देखिए कितना अंधेरा है। चलिए यहाँ तो लिखा हुआ है पंचायत भवन, ग्राम पंचायत सुखपुर सोलनी प्रखंड सुपौल जिला सुपौल। पंचायत भवन में है तो मगर अंदर में लाइट लगा हुआ है, आरटीपीएस काउंटर देख सकते हैं। अंदर में कुर्सी का हमारे कुर्सी लगा हुआ है बट गांव का पंचायत भवन देख सकते हैं। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सुखपुर प्रखंड सुपौल जिला सुपौल, लेडीजो और रहे देख सकते हैं आप लोग, बस एक लाइट लगा हुआ अंदर में और बाहर में देख लीजिए कितना अंधेरा। उप स्वास्थ्य केंद्र सुखपुर सुपौल, उप स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये लार का ढेरी। चलिए कल सुबह में आके इसका वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, देख सकते हैं लिखा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र सुखपुर सुपौल, और देखिए क्या हाल है। चलिए दोस्तों दिन में आके दिखाएंगे आपको, ये सब चीज़ को देखने वाला कोई नहीं है सुखपुर में, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति हो रहा है और माननीय सम्मानित जनता। देखिए ये सेट अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो काम आएगा, और इस सेट का कोई काम नहीं है, इसे उप स्वास्थ्य केंद्र का कोई काम नहीं है, इससे अच्छा
इन सब चीज़ों का उपयोग अगर गरीब करे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारे गांव के सभी माननीय नेतागण सबका, बहुत बहुत आभार होगा। चलिए दोस्तों और आगे दिखाते हैं आपको, देखिए कितना अंधेरा है। देखिए यहाँ दो दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, एक ये रहा और एक ये, और हाई स्कूल पूरा अंधेरे में। तो यहाँ दो दो ट्रांसफार्मर लगा के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, हैं? हाई स्कूल पे तो रोशनी दीजिए कम से कम, देखिए कितना अंधेरा है और यहाँ दो दो ट्रांसफार्मर। देखिए अभी सुखपुर मार्केट में ये टेलीफोन का पोल किस तरीके से रखा हुआ है रोड, बताइए। एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, रात को इतना कोई ऐसा में कोई गाड़ी वाला आके ठोकेगा तो मरेगा ही ना। कम से कम इसको जगह तो लगा देना चाहिए, जब इसका अब कोई उपयोग नहीं है, इसको उखाड़ करके यहाँ रख दिया गया है। देखिए मेन मार्केट में, सुखपुर मार्केट पता भी चल रहा है, यहाँ मार्केट है। दूसरे गांव का बंदा सब इधर से जाता होगा तो कैसा गांव है ये, ऐसा मेन रोड में पूरा रोशनी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, पूरा अंधेरा अंधेरा। और इस गांव का लोग सब भी ना गया। देखिए अभी हम लोग सार्वजनिक दुर्गा स्थान की ओर जा रहे हैं, देखिए कितना अंधेरा है रास्ते में, देखिए पूरा सुखपुर अंधेरा अंधेरा है। सरकार के द्वारा स्ट्रीट लाइट का फंड भी आया होगा सभी पंचायत में, पता नहीं कहाँ है, अटका हुआ नहीं है, थोड़ा भी तो काम हो जाए अपने पंचायत में। जैसा नाम था पहले सुखपुर है सुखधाम, वैसा कहीं कुछ सुखधाम नहीं है, सब पैसा लूट के खाने वाला सब खा गया, अपना अपना जेब भर लिया, और इस सुखपुर सोलनी पंचायत को देखने वाला कोई नहीं है। उसमें दोषी हम आप जनता भी हैं जो पैसा देकर वोट अपना बेचते हैं। अगर हम आप पैसा देकर वोट नहीं बेचेंगे तो हमारा आपका भी अधिकार होगा बोलने का, लेकिन हम आप पैसा देकर वोट बेचते हैं तो इसी तरीके का हाल होगा पंचायत का। ये कितना अंधेरा है, अभी हम लोग रास्ते में हैं माननीय भूतपूर्व मुखिया जितेंद्र झा जी के घर के पास, देखिए कितना अंधेरा है। इस रोड में तो पूरा कहीं लाइट ही नहीं है। और दोस्तों अभी हम लोग वार्ड नंबर 9 में फिर से प्रवेश किए हैं, और देखिए कितना अंधेरा है। और अभी हम लोग सुखपुर सोलनी पंचायत के सरपंच इनके घर के पास हैं, देखिए कितना अंधेरा है। सरपंच साहब के पास तो योजना आया होगा लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ, देख लीजिए इनके घर के पास कितना अंधेरा है। जब ये अपने घर पे लाइट नहीं लगा सकते तो पंचायत में कहाँ से लाइट लगेगा, देखिए कितना अंधेरा है। यहाँ लाइट लगना चाहिए या नहीं, आप लोग अपना राय अपना विचार इस वीडियो में ज़रूर दें ताकि यहाँ लाइट लगा सकें हम लोग। सुखपुर में अगर कहीं लाइट भी लगा है तो ये बजरंगबली का कृपा है जो मंदिर पे लगा है, तो देखिए यहाँ कितना रोशनी है रोड पे। आज सब भाई कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना रोशनी है, ऐसे ही हर एक बस्ती मोहल्ला में होना चाहिए। जय हो बजरंगबली, आप ही के कृपा से यहाँ रोशनी। लोग दुर्गा स्थान के करीब है, यहाँ मानस ट्रेडर्स के पास लाइट जल रहा है तो रोड पे रोशनी है थोड़ा बहुत, ये देख लीजिए मानस ट्रेडर्स के पास है हम लोग, यहाँ थोड़ा बहुत लाइट लगा हुआ है, इन्होंने अपना लाइट लगाया है तो रोड पे रोशनी भी है। बाद में देख लीजिए कितना अंधेरा है दुर्गा स्थान के पास। अभी हम लोग दुर्गा स्थान के पास पहुँच गए हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को पास जाके ये कितना अंधेरा है। यहाँ भी एक स्कूल है हरिजन, कौन सा स्कूल ले रहे नाम, हरिजन स्कूल, हरिजन स्कूल,
जितना भी सुखपुर में भगवान का मंदिर है, सिर्फ वहाँ वहाँ लाइट लगा हुआ है, वो तो भगवान का कृपा है जो यहाँ लाइट लगा हुआ है। बाद बाकी सुखपुर के सम्मानित जनता को कहीं ध्यान नहीं है, सुखपुर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सबसे किसी को कोई मतलब नहीं है। एक लाइट नहीं, यहाँ पे 10-10 लाइट लगा हुआ। देखिए ये सुखपुर सार्वजनिक दुर्गा स्थान है, यहाँ लाइट लगा हुआ है, बाद बाकी देखिए कितना अंधेरा है। और चलिए स्कूल का हाल दिखाते हैं आप लोगों को। तो दुर्गा स्थान में अगर यहाँ दुर्गा स्थान नहीं होता तो सोचिए यहाँ कहीं रोशनी भी नहीं होता, कितना अंधेरा होता। देखिए ये हरिजन स्कूल का हाल है, इसमें जो रोशनी आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में, वो रोशनी जो है आ रहा है दुर्गा स्थान से। तो देखिए कितना अंधेरे में है, इसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। लाठी चले, यहाँ दुर्गा स्थान का रोशनी यहाँ तक आ रहा है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। देखिए अभी हम लोग वार्ड नंबर 9 में हैं। यहाँ देखिए मंदिर है तो यहाँ रोशनी है, नहीं हो तो यहाँ कितना अंधेरा होता, सोच सकते हैं आप लोग। देखिए आज हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगा है तो वहाँ तक रोशनी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उस पोल पे भी लाइट लगा हुआ है। बाद बाकी देखिए ये पोखर जाने का रास्ता है, यहाँ ट्रांसफार्मर है, लेकिन देखिए कितना अंधेरा है। इधर भी एक भगवान का मंदिर है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है जो रास्ते में रोशनी हो। बताइए यहाँ अगर ये लाइट नहीं लगा होता तो कितना अंधेरा होता, देखिए कितना अंधेरा है।